प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है और उस पद की गरिमा के अनुरूप उनका ये वक्तव्य नहीं है, जो उनकी सोच नहीं है, क्या क्या वो बोलते हैं उनको खुद को एहसास ही नहीं हो रहा होगा। बटन दबाओ जिस फांसी लगा रहे हो, यही भाषा काम ले रहे हैं योगी जी महाराज से। तो ये कौन सी भाषा हुई है? आप प्यार मोहब्बत से बात करो, जो बात कहनी भी है आपको, कटाक्ष भी करना है, आरोप भी लगाने हैं, तो भाषा में कई शब्द हैं, उनको काम लीजिएगा। आप भड़का क्यों रहे लोगों को? मैं क्या कहूँ इनके बारे में, अच्छा नहीं लगता है, पर इनको भ्रम है कि इस प्रकार ईडी का, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके ये मैसेज दे देंगे पब्लिक को, जिसकी जिक्र आप कर रहे हो। जन्म से लेकर मरने तक के जो स्कीम होती है वो सब इस सरकार ने दे दी है, क्या क्या लोग नहीं कहते हैं। तो मैं मानता हूँ चुनाव वहीं तक सीमित रहे, ये कोई तुलना करने की बात नहीं, चुनाव कोई लोकसभा थोड़ी हो रहा है। मतलब आपने कहा सियासी रूप जो है वो कांग्रेस की तरफ है, लेकिन राजस्थान में सियासत की परंपरा रही है अभी तक, पुराने इतिहास देखे हर 5 साल में सरकार बदलती है, ये जो परंपरा इस बार टूटेगी वो, केरला में टूट सकती है 70 साल की परंपरा, वहां 70 साल की परंपरा थी, वहां एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन। इस बार पब्लिक ने कहा क्योंकि कोरोना में अच्छा काम किया इसलिए हम सरकार रिपीट करेंगे, रिपीट हो गई। कोरोना में काम करने अच्छी रिपीट हो सकती है तो राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट तो और शानदार होगा। भीलवाड़ा मॉडल WHO तक चला गया, तारीफ हुई पूरी दुनिया के अंदर हमारी, शानदार मैनेजमेंट किया, कोई भूखा नहीं सोए, धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, NGO ने, पॉलिटिकल कार्यक्रम ने काम किया, सबको मैंने साथ लिया, ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया, शानदार मैनेजमेंट किया। उसके अलावा जो हमने कानून पास किए, स्कीम लेके आए, गारंटी दे रहे हैं, तो यहाँ तो निश्चित है फिर सरकार रिपीट होगी। मेरे साहब, चूंकि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में आपकी योजनाओं चर्चाओं में रहती है, लेकिन इन दिनों जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान बयान भी काफी चर्चाओं में है, हाल ही में प्रधानमंत्री के लगातार दौरे बन रहे हैं, एक बयान उनका आया कि जो राजस्थान में कांग्रेस के जादूगर है और जो केंद्र में दिल्ली में बैठे जो बाजीगर है वो लूटने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है, अब जो कांग्रेस के जादूगर है उनकी कुर्सी कुछ ही दिनों की है, किस तरह लेंगे इस प्रकार के बयान? अब प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है और उस पद की गरिमा के अनुरूप उनका ये वक्तव्य नहीं है, जो उनकी सोच नहीं है, क्या क्या वो बोलते हैं उनको खुद को एहसास ही नहीं हो रहा होगा। बटन दबाओ जिस फांसी लगा रहे हो, यही भाषा काम ले रहे हैं योगी जी महाराज से। तो कौन सी भाषा हुई है? मतलब आप हिंसक भाषा काम ले रहे हो, वायलेंस की भाषा काम ले रहे हो, भड़काने वाले भाषा काम ले रहे हो, जो नहीं होना चाहिए। आप प्यार मोहब्बत से बात करो, जो बात कहनी भी है आपको, कटाक्ष भी करना है, आरोप भी लगाने हैं, तो भाषा में कई शब्द हैं, उनको काम लीजिएगा। आप भड़का क्यों रहे हो लोगों को? शालीनता से बात करो। अब चुनाव कोई लोकसभा का तो है नहीं चुनाव, ये राज्यसभा चुनाव है। मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, ये चुनाव राज्यसभा का है, ये यहाँ हमने जो कानून पास किए, स्कीम बनाई, गारंटी दी, उस पर मेरा चैलेंज है कोई भी हमसे बात करे, चर्चा ही नहीं करेंगे उसकी, तो ये कह रहे इनके बारे कुछ है ही नहीं, चर्चा क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण लगता है आपको? कुछ नहीं कहने को इनके बारे, इतनी शानदार परफॉर्मेंस हुई हमारी, पूरे देश में राजस्थान चर्चा में आ गया भाई, ये तो राजस्थान वासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारी स्कीमें जो है उसके कारण से पूरे देश के कर्मचारी, पूरे देश के आम जन जन वो देखते हैं राजस्थान में एक के बाद एक देश की मां कैसे रही है। ये तो टाइम नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, कोई 200 के लगभग स्कीमें हमारी, 182 स्कीमें हैं। गहलोत साहब, इन चुनावों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी खूब कार्रवाई राजस्थान में देखी गई, उसमें आपके जो नेता है उनके वहां भी देखी गई, कुछ कर्मचारियों के वहां भी देखी गई, आपने सीधे तौर पर आरोप भी लगाए, हाल ही में जो 752 करोड़ की संपत्तियां जो है वो जब्त की गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में, ईडी ने कुछ नहीं, खाली शराब में ये लोग इतने
मैं क्या कहूँ इनके बारे में, अच्छा नहीं लगता है, पर इनको भ्रम है कि इस प्रकार ईडी का, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके ये मैसेज दे देंगे पब्लिक को जिसकी जिक्र आप कर रहे हो। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि ये एजेंसी इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी है, इनका असली काम है आर्थिक अपराधियों के लिए, इनका असली काम है इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है, जो लंदन जाके बैठ के विजय माल्या या नीरव मोदी या मेहुल चौकसी, ऐसे कितने लोग होंगे देश के अंदर, और नए विजय माल्या कितने नए होंगे, कितने मेहुल चौकसी होंगे, कितने नीरव मोदी होंगे, उसी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है इनका, जाना चाहिए उस तरफ जिससे कि देश की इकोनॉमी मजबूत रहे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस नहीं हो उसको रोके। इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी ये है, पिछले 9 साल से जो है उनका काम वो तो ठप हो गया, सरकारें गिराओ सरकार बनाओ, उसके लिए डराना धमकाना एमएलए को है पारा बदलने के लिए, उसके काम ले रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की गिरा दी, हॉर्स ट्रेडिंग से गिराई, ईडी के दबाव से गिराई, इनकम टैक्स के रेट से गिराई, तो ये कहाँ की समझदारी है, इसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। गणेश साहब, 5 साल का आपका कार्यकाल रहा, कई स्कीमें आप लेकर आए, लेकिन इन 5 सालों में काफी चुनौतियां भी आपके सामने रही, चाहे वो कोरोना की चुनौतियां हो या फिर सियासी संकट की चुनौतियां हो, उन तमाम चुनौतियों के बीच में भी आपका ये दावा है वो प्रदेश में जो लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन लोकल स्तर पर क्योंकि इस बार जो टिकट दिए गए हैं काफी संख्या में जो विधायक थे उनको रिपीट किया गया है को, और वो सहयोगी विधायक जिन्होंने आपकी सरकार बचाने में मदद की थी उनको भी मौका दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो नाराजगी है कांग्रेस के जो जुड़े हुए कार्यकर्ता है उसको उस चुनौती से कैसे निपटेंगे, क्या वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कई बार ऐसा माहौल इन्होंने बना दिया, आरएसएस ने भी करप्शन का बना दिया, एमएलए के खिलाफ में काफी कुछ इन्होंने कोशिश की, कुछ शिकायत होगी भी अजीब भी होगी, पर हमारे यहाँ जो फैसले हुए हैं वो सर्वे के आधार पे भी हुए, चुनाव तो जीतेंगे तभी तो सरकार बनेगी हमारी, तो विनिबिलिटी कार्ड रखा गया, उसके अंदर जो है नो ऑप्शन था, अगर किसी शिकायत है भी मान लो तो वहाँ ऑप्शन दूसरा नहीं था, इस प्रकार से टिकट बन रहे हैं। पर इतना मैं कह सकता हूँ भाई, अगर ये करप्ट होते तो जो मेरे पास होटलों में साथ रहे थे 40 दिन तक, 10 करोड़ की पहली किस्त थी मिलने की, एक व्यक्ति बाहर क्यों नहीं गया, 4 लोग बाहर चले जाते सरकार गिर जाते हमारे, क्यों नहीं गए, तो कैसे माने कि ये सब करप्ट है। ये बात भी है, कमियां हर एक में होती, पर मैंने कह रखा है कमियों को एक तरफ रखो, अगर आप चाहते हो सरकार वापस पुनः रिपीट हो, हमने अच्छा काम किया है, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है काम करने में, तो और डिमांड आ रही मेरी हर कोई 150 के लगभग डिमांड आ गई होगी, तो मैं तो जान नहीं सकता सब जगह, तो मैंने कल भी कहा है कि भाई आप समझ लो कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ आपके मान से, आप मुझे वोट दो, अब राहुल गांधी को, खड़गे साहब को, प्रियंका गांधी का जो अपील है उसको आप लोग उस पर ध्यान दो, और सरकार बनाओ वापिस। सरकार बनाने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो खड़गे साहब राहुल गांधी जी कहते हैं वादा करो मत कर तो निभाओ, उस पर हम खड़े उतरेंगे, तब मैं वादा करता हूँ। सीएम साहब, आप हो, आपके अलावा जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं उनके एक बयान कॉमन रूप से निकल कर आ रहा है बीजेपी के खिलाफ कि इस बार बीजेपी ने कोई चेहरा घोषित नहीं करा, बिना चेहरे के चुनाव लड़ रहे हैं या मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, और राजस्थान में आपकी डिमांड ज्यादा है, आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए बुला रहे हैं, तो कि इस बार का सीधा चुनाव ये मान के चले कि मोदी जी वर्सेस गहलोत जी के बीच में, क्योंकि राजस्थान में तो ये नजारा दिख रहा है। देखिए, ये चुनाव विधानसभा का, मैं फिर कहना चाहूंगा, ये चुनाव विधानसभा का है, विधानसभा का पूरा चुनाव, विधानसभा की परफॉर्मेंस, सरकारी परफॉर्मेंस, कानून बनाने की स्कीमें देने की, युवाओं को, छात्रों को, महिलाओं को, किसानों के लिए अलग बजट पेश कर दिया हम लोगों ने, कोई कमी रखी नहीं। लोग कहते हैं कि जन्म से लेकर मरने तक की जो स्कीम होती है वो सब इस सरकार ने दे दी है, क्या क्या लोग नहीं कहते हैं, तो मैं मानता हूँ चुनाव वहीं तक सीमित रहे, ये कोई तुलना करने की बात नहीं, चुनाव कोई लोकसभा थोड़ी हो रहा है, चुनाव
विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में चर्चा हो क्या सकती है, अलग अलग चुनाव दोनों, ये बात है। एक और मेरा सवाल था सर, क्योंकि लंबा अरसा रहा गारंटियों की बात, लास्ट दो सवाल रहेंगे मेरे, गारंटियों की आपने बात की, राहत देने की बात करी, महंगाई से पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा उठा रहे हैं कि सबसे ज्यादा वेट यहाँ पर लगता है, उसको किस तरह आप देखेंगे? ये मैं बताऊं आपको, स्पष्ट कर दूं, हमसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम है, हमसे ज्यादा है, उसका कंपेरिजन नहीं करेंगे, बीजेपी की शासन है मध्य प्रदेश के अंदर, वो कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रोफाइल दोनों का एक है राज्य का, ये कंपेयर करते हैं हरियाणा पंजाब से, वहाँ की आर्थिक स्थिति अलग है, वहाँ की अप्रोच अलग तरह से है। अभी पिछले 20-25 साल से यहाँ पर क्या राज कांग्रेस का राज या बीजेपी का राज रहा? बीजेपी शासन में कम क्यों नहीं कर दिया, कर सकते तो, अब वो हल्ला कर रहे हैं तो शासन बीजेपी के थे तब कम क्यों नहीं किए? क्योंकि हमने पूरी जांच पड़ताल करवाई, सर्वे करवाए, स्टेट के इंटरेस्ट में ही है जो आज है। और इनको पूछो आप लूट आप रहे हो देश के अंदर, मैंने परसों भी कहा था जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है उसका बंटवारा राज्यों में होता है, उसको बहुत कम कर दिया है, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एक नया सेस लगा दिया भारत सरकार ने, वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं बंपर, पूरा पैसा जाता है केंद्र के खजाने के अंदर। तब भी हमने क्या किया, संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार बनने के बाद में भारत सरकार ने तो एक बार कम किए थे, दो साल बाद कम किए, हमने दो साल पहले ही, पहले मैंने 2.5% कम किया, उसके बाद फिर कम किया, यूं करके 7,500 करोड़ रुपये प्रति साल का रेवेन्यू हमने कम किया है, हमने भी कम किया है। इसलिए ये जो खाली एक एग्जाम्पल दे देते हैं बॉर्डर एरिया को लेके कि बॉर्डर एरिया में बहुत रेट का फर्क है फर्क, पर तो हमारी मजबूरी है, वो भी मजबूरी है, ये बात है। लास्ट सवाल है मेरा सर, अशोक गहलोत जी 3 बार प्रदेश के मुखिया रहे, पीसीसी के अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, संगठन में महासचिव भी रहे, लंबा राजनीतिक आपका अनुभव रहा, क्योंकि 25 तारीख को मतदान है, 3 तारीख को जनता का जो पिटारा है मतपेटी खुलेगी, उसके बाद आम जनता चाहती है, आम लोगों में सियासत में चर्चा है कि अब गहलोत साहब की क्या बड़ी भूमिका रहेगी 3 तारीख के बाद? मेरी भूमिका हमेशा वही रही जो मुझे हाईकमान ने कहा है, मैं अपनी भूमिका खुद तय नहीं करता हूं, जो भूमिका हाईकमान देगी मुझे मैं उसी तक सीमित रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।